पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, पर हम सब करके बताओ बेटा। चलो ठीक है। तो बेटे लास्ट टाइम हमने कुछ डेटा के बारे में बेसिक क्लियर किया था, जिसमें हमने आपको बताया था डेटा क्या होता है। क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले मैं बता दूं डेटा क्या होता है, हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डेटा में, हमने बात की थी बेटे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। देखो कोई बच्चे एब्सेंट है उनके लिए भी सही हो जाएगा। फर्स्ट टाइप की कहते हैं प्राइमरी और सेकंड कहते हैं बेटे सेकंड। तो प्राइमरी क्या होते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, और सेकंड क्या होते हैं बेटे फ्रॉम प्राइमरी। प्राइमरी डेटा जो डेटा कलेक्ट हो गया वो सेकेंडरी डेटा। अब हम बात करेंगे बेटे इसके अलावा अरिथमेटिक मीन, जो हमने बताया था मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन ये भी हमने पढ़ा था बेटे लास्ट क्लास में, इसमें क्या था बेटे सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, या फिर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा है। ठीक है, आपका जो नया टॉपिक हमारे पास, नई हेडिंग हमारे पास इंग्लिश में रहेगी रेंज। रेंज क्या होती है बेटे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा, वैल्यू ऑफ लिख लो, एक फॉर्मूले हैं सभी, जिन्होंने नहीं लिखे हो लिख लो। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जो भी आपके डेटा में मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से आप माइनस करोगे मिनिमम वैल्यू। एक आती मीडियन, मीडियन क्या होती है बेटे मिड वैल्यू ऑफ डाटा, मिड वैल्यू ऑफ डेटा, कहने का मतलब अगर आपके पास एंड डेटा है तो मीडियन एंड बाय टू या फिर एंड प्लस वन बाय टू होगी। ठीक है, कैसे मैं समझता हूँ इसका, ऐसे नहीं गलती है, थोड़ी अजीब होती है, इसके बारे में समझा सकते हैं। मान लो आपके पास 3 डाटा है 2, 8, 9, तो आपके पास मिड वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पहली बात तो, ऑलरेडी असेंडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, तो 8 जो है हमारी मीडियन होगी। ठीक है, बट आपके पास हो 2, 4, 6, 8, कितने डेटा है बच्चों 4 है, तो इसकी मीडियन निकालोगे आप या मिड की वैल्यू देखोगे, तो मिड में अगर इसको ले लोगे तो ये भी मिड में नहीं है, इसको ले लेंगे ये भी एग्जैक्ट मिड में नहीं है। मिड में कब आएंगे, जब हम इन दोनों को ले लेंगे, ये दोनों मिड में हैं, तो इनका जो मीन निकलेगा या सॉरी मीडियन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, n / 2 और एक n + 1 / 2। देखो n / 2 मतलब ये 4 डाटा है, तो 4 / 2 यानी कि सेकंड प्लेस पे कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर n / 2 में क्या प्लस करना है, यहां पे प्लस 1, n by 2 में क्या प्लस करना है 1 करना है, मतलब 2 plus 1 थर्ड नंबर वाला भी लेते हैं, तो ये सेकंड नंबर वाला 4 और थर्ड नंबर वाला 6 और फिर उन दोनों को किसका डिवाइड करना है 2 का, तो कितना है मिड 10 by 2 मिड वैल्यू 5 आई, तो आप जान सकते हैं देखो 2 4 6 8 इनके और इनके बीच में कौन बचा है, सिर्फ 5 बचा है ना बच्चों। तो ऐसे मीडियन निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बस आपको समझ में आ गया होगा अगर हमारे डेटा कैसे है बेटे कोड है, तो आप n / 2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं या n / 2 + 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, सही से चला गया ना, कंडीशन के लिए ही सॉरी मीडियन, जब से सर बेटा
इवन डेटा में क्या लिखना है, इवन डेटा के लिए क्या लगा हुआ बोला n by 2 और n by 2 plus 1, इन दोनों को क्या लगाओगे बेटे, मीन। मीन मतलब इन दोनों को ऐड करोगे फिर 2 का डिवाइड करोगे। अभी क्या था हमने n by 2 plus n by 2 plus 1 और इसकी डिवाइड में 2 किया था, ये 2 डेटा है तो मीन क्या होता था, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा होता था। अभी समझ में आ जाएगा, एग्जांपल में आप देख सकते हो। अगर मुझे इनका क्या चाहिए, मीडियन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू ये इधर से छोड़ दूंगा, एक इधर से, एक इधर छोड़ दूंगा, एक इधर से, मतलब इनकी मीडियन वैल्यू यहां पे आएगी। तो 6 और 8 के बीच में क्या आता है बच्चों, 7 आता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को फॉर्मूले से कैसे निकालोगे आप, ये जितने डेटा है, कितने डेटा है, 4 है, कितने बेटे 4। तो आप क्या करोगे, एक तो n / 2 यानी कि 4 / 2, तो कौन से नंबर वाला डेटा ले लोगे, सेकंड नंबर वाला जो क्या है 6, तो n by 2, फिर n by 2 के बाद वाला यानी प्लस 1 मतलब उसके जस्ट बाद वाला, तो n by 2 6 है तो n by 2 के जस्ट बाद वाला क्या होगा 8, 2 है सेकंड नंबर पे, इसमें प्लस 1 करोगे तो कौन सा आएगा, थर्ड नंबर का ही आएगा, और थर्ड नंबर पे डेटा कौन सा है 8, उन दोनों पे क्या करोगे बेटे आप, ऐड करोगे, क्या करोगे ऐड, और फिर 2 का डिवाइड करोगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या था आप बताओगे जरा, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, कितने डेटा को सम कर रहे हैं हम 2 को, और किसका डिवाइड कर रहे हैं 2 का, वही फॉर्मूला लग गया सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, कहने का मतलब n / 2 वाला टर्म और n / 2 प्लस 1 वाला टर्म, इन दोनों का मीन जो आता है वही हमारी क्या होती है मीडियन। तो 6 + 8 कितना हो गया 14, 14 को 2 से डिवाइड करो कितना है बच्चों, कोई 7 आंसर आया। और समझ में आ रही, कोई बात नहीं, ये काम भी नहीं आएगा वैसे तुम्हारे, लेकिन फिर भी मेरा खर्च आपको बताना, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप दूसरे तरीके से आप करोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मीडियन कैसे निकालोगे बेटे, n / 2 निकालोगे, फिर n / 2 + 1 का जो टर्म है उन दोनों का क्या निकालोगे, मीन, समझ गए। अब बात करते हैं मोड की, मोड क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम रिपीटेड डाटा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड डाटा, मतलब जो डाटा जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा क्या होगा बच्चों, मोड होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 6 8 3 2 3 1 4 3, इसका मोड कितना होगा बताओ, इसमें देखो 1 है कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, 2 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, 3 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, और 8 1 टाइम आ रहा है, 4 1 टाइम आ रहा है, 6 भी 1 टाइम आ रहा है। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है बच्चों, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हमारा मोड क्या होगा, वही मैंने आपको बताया है मैक्सिमम टाइम रिपीटेड डाटा जो होगा वो ये हमारा क्या होगा बेटे, मोड होगा। अच्छा नहीं, तो मीन में क्या होगा, जितने डाटा है वो सम करेंगे और वो जितने हम उसका डिवाइड कर देंगे, मान लो 10 डाटा है तो 10 का सम करके 10 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मीडियन रेंज में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास ये डाटा है 4, क्या क्या है 4, 6, 8 और 10, अगर हमें इसकी रेंज चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 10 में से मिनिमम वैल्यू यानी कि 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगी बेटे इसकी रेंज। और समझ में आ गया, ऐसे मीडियन आप भी आपको बताइए इसकी मीडियन क्या है, 6 और 8 दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। कब, जब ये इवन डाटा है, देखो 1 2 3 4 डाटा मतलब इवन नंबर है इनकी, तो उस कंडीशन में आप बीच में दो डाटा है उन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, और अगर ये ओड नंबर है जैसे 1
5 और 7 कितने हैं 3 डेटा, तो इनके बीच में हमें तुरंत मिल जाएगा कौन है आई वैल्यू, तो जिनको चूज हो जाएगा प्रथम सब कर दो। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, ये आपका बेसिक हो चुका है, अब सीधे हम एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत ही खत्म कर देंगे। टावर स्टेज स्क्रीन शॉट ले लो, इतना तो हमारा पहले हो चुका था, ये आज हमने नया किया, तो ये नए वाले का स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, जल्दी करो। समझ में आएंगे बेटा, इस पीछे जयंत जयंत यादव जो इस बार न्यू एडमिशन है बेटा, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है।
टू सेट कर लेते हैं, हमारे पहले तो डेटा लिख लेते हैं क्या है, 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4। देखो कहीं पे मिस्टेक हो तो मुझे बता देना बेटे, 4, 6, 5, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2 आ गया बच्चों, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 8, 4, 6, 7। पहले इनको काउंट करते रहे हैं, क्वेश्चन में काउंट करो इसमें भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्वेश्चन में है 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, 20, मतलब सही है जो मैं देखता है। अब इनको क्या करना है बेटे, अरेंज करना है टेबुलर फॉर्म, मतलब छोटे से लेकर बड़े कर दे, तो बड़े के लिए छोटे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में सेट कर दो बेटा, तो यहां पे क्या जाएंगे बेटे, मार्क्स, और इधर आ जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मिनिमम 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है, मैक्सिमम 9 पे, ठीक है ना। 1 या फिर ये कौन कौन से नंबर है वो ले लो, 1 भी है, 2 है क्या, यस 2 भी है, 3 है क्या, सारे से ही डाटा है लगभग, तो 1 से 9 तक का अंक लिखने पड़ेंगे, नीचे जगह नहीं है मैं यहां पे करूंगा इसके साइड में, ठीक है। यहां पे कर देता हूं, इधर आ जाएंगे बेटे मार्क्स, और इधर आ जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 एक 1 नंबर कितने बच्चों को आ रहा है, काम कर लो तब तक, 2 कितने को आ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 आ रहा है, ये 11 बच्चा, बस एक ही बच्चे को आ रहा है 1 मार्क्स, 2 कितने बच्चों को आ रहा है, 2 वो भी एक ही बच्चे को आ रहा है, 3 कितने का आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 2 सर हां पे 3 और 2 यहां पे 11 11 2 2 टाइम आ रहा है ना, 4 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 टाइम, 5 कितने टाइम आ रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, 6 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, 7 कितने टाइम आ रहा है बच्चों, 1 2 2 टाइम आ रहा है, 8 कितने टाइम आ रहा है, 1 1 टाइम आ रहा है, और 9 कितने टाइम आ रहा है बच्चों, 1 1 टाइम आ रहा है। चेक करने के लिए आप इनको ऐड करना, 20 आना चाहिए, क्योंकि टोटल डाटा कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 20 स्टूडेंट हमारे, समझ गए, इनका सम 20 है तो मतलब सही है, वरना कहीं की मिस्टेक है, 3 4 और 3 7 और 5 12 और 16 और 2 18 और 2
20 मतलब सही है सर। अब ये जो कंफ्यूज कर रहे थे बीच बीच में, ये हमारी नंबर आ रही थी तो मैं हटा देता हूँ उसको, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे आखिरी नंबर पहले के जो ग्रुप के अंदर दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसको कैपिटल फॉर्म में लिख दिया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 20। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 20। अब क्या पूछा उसने? फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इसने पूछा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सी नंबर सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट नंबर है इसमें 9, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं? 9 ही तो है। कितने बच्चों के आ रहे वो नहीं पूछ रहा, सबसे ज्यादा मार्क्स की वैल्यू क्या है, तो मार्क्स की वैल्यू है बेटे देखो 9 सबसे ज्यादा। दूसरा पूछ रहा है क्या, विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे कम नंबर क्या है बेटे? 1। लोएस्ट नंबर क्या बेटे? फिर क्या पूछा, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, तो रेंज क्या हो बेटे, जो मैक्सिमम थी उसमें से मिनिमम माइनस कर दो, क्या है आंसर? 8। अब है बच्चों अर्थमेटिक मीन, सभी बच्चे निकालेंगे, आप बताओ मेरे को इसका आंसर, अर्थमेटिक मीन क्या है इसका, जल्दी बताओ आंसर। अर्थमेटिक मीन होता है बेटे सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो डेटा है ना सभी उनको ऐड करना पड़ेगा और फिर 20 का डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सभी डेटा थे उनको ऐड करना पड़ेगा और फिर 20 का डिवाइड करना पड़ेगा। जल्दी करो, आगे की मैंने मिटा दिए हैं, अगर किसी बच्ची को दिक्कत आ रही है तो मैं 9 के बाद वाले और लिख देता हूँ, इसके बाद में 6 5 8 4 6 7 ये था 9 के बाद आगे, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो याद देख सकता है। जल्दी आंसर कमेंट करो बेटा, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मेरे को क्लास खत्म करनी है। ये जिनका हो गया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर नंबर करवा लो, तो ऐड करते बेटे 4 + 6 + 7 + 8 + 4 + 6 + 7 सारे सभी डेटा आ गए, एक बार चेक कर लो बेटा, डिवाइड बाय टोटल डेटा 20 के हमारे, समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। मतलब अब इनका सम करते हैं, तो 4 6 10 17 5 22 25 30 34 39 41 42 41 42 43 62 63 8 73 81 85
91 और 98 डिवाइड बाय 20, तो बेटे 24 जो 80 बच गए 18, फिर जीरो लगा दो 29 या 180, तो 4.9 हमारा आंसर है। कितने बच्चों समझा, एक बार आंसर कर दो, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किया कितना है? मेरी भी प्रॉब्लम है, आपकी चेक करो। हो सकता है मेरे प्रॉब्लम हो, एक बार चेक कर लेता हूं। 100 आना चाहिए इनका सम, आपका 100 आ रहा है, इस 100 के पास है, देखते हैं। तो इसको एप्रोक्स आप 5 कह सकते हैं बेटा, वैसे तो 4.9 मतलब 5 ही है। 4 प्लस 6 10 और 7 17 और 5 22, 22 और 3 25 हो गए, 25 और 5 30 हो गए, 34 4 34 हो गया, और 5 36 39 हो गया, 41 हो गया, 47 हो गया, 49 हो गया, 54 हो गया, 55 और 9 64, 70 83 87, टोटल 100 हो रहा बेटा मेरे समय प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, तो 100 में 20 के डिवाइड करोगे तो 5 हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन को आप थोड़ा केयरफुल किया करो, बाय मिस्टेक एक भी नंबर मिस हो गया ना तो आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, तो ये मैं एज कर रहा हूं, जल्दी आप इसको स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 होल नंबर नोट करो बेटा, फर्स्ट 5 होल नंबर, सभी को पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है बेटे, बताओ, जीरो से स्टार्ट होते हैं बच्चे, तो क्या होगी 0 1 2 3 4, अब क्या निकालना है मीन, तो मीन के लिए आप इन सभी को ऐड करो, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये कितनी नंबर है 5 है, तो 5 को क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना है बच्चों मीन 3 3 6 और 4 10 डिवाइड बाय 5, तो कितना है बच्चों 2 हमारा आंसर। कितने बच्चों समझ में आया, एक बार सम करो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 5 होल नंबर्स ली मैंने फर्स्ट वाली, उनको सम किया और कितनी है वो 5 है, तो 5 को डिवाइड कर दिया, तो सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। क्लियर बच्चों? वेरी गुड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Thank you.
35, 46, फिर 46 के बाद में 45, फिर 0 पे आउट हो गया और फिर 100 टर्न और 18 इनिंग्स हो गया। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है आप खुद आंसर देंगे मुझे। फर्स्ट पूछा है बच्चे, इसने फर्स्ट के एक ही क्वेश्चन है, मीन निकालना है, इसका मीन निकालो जल्दी से, आंसर बताओ कितना है बेटा, मीन निकालना है इनका, मीन ओवर सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, तो कितना सम होगा इनका, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 डिवाइड बाय कितनी है 8, कितना है दोस्तों, कर लेना है अब सभी बच्चे, कर लेंगे एक बार थम्स अप करके बता दो, चलो कितना है ना? सम करते हैं बेटे, 5, 6, 11, 5, 16 और 6, 22 और 8, 30 का 0, 3 कैरी, 3 और 4, 7 और 4, 11, 14, 4, 18, 18 और 7, 25 और 30 का 0, 3 कैरी, 3 और 4, 8, 8, तो यह आ गया बच्चे 50। रन्स, ये हमारा आंसर हो गया, सभी को समझ में आ गया कर थम्स अप कर दो। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये फोर्थ क्वेश्चन का है बच्चे, इसके बाद हम क्वेश्चन 5 एक टेबल दिया है उसको देख के आंसर करना है, तो आप एक खुद घर से करके लाना ठीक है, सिक्स वाला करवाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप एच ट्यूटर को कर लेना घर से, अगर नहीं आता तो मैं करवा दूंगा। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, साइंस टेस्ट में कुछ बच्चों ने जो नंबर है वो हमें दिए हुए हैं बेटे, क्या क्या है टेस्ट मार्क्स, क्या 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 बेटे, एट्टी वन और सेवेंटी फाइव, क्या पूछा उसने, इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा आपसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, हाईएस्ट कितना है बेटे, 95, लोवेस्ट कितने, 39, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा बेटे उसने, रेंज, तो रेंज क्या होती है बेटे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, क्या है बच्चों, 56। फिर क्या पूछा बेटे उसने, मीन, तो मीन आप निकाल लोगे समीशन ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, ये आप खुद कर लेना ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट इसमें, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ, होप रखता हूँ आप लोग का लिए सभी क्वेश्चंस करके लेंगे कंप्लीट,
अगर कोई दिक्कत आती है मुझे बताना, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सब तक के लिए बाय।